कुरुक्षेत्र के मैदान का युद्ध जनता ने देखा है वो धर्म युद्ध था और धटराष्ट्र के पास एक संजय हुआ करते थे जो इस युद्ध का एक एक दर्शन एकदम स्पष्ट और सच्चाई के साथ बया करते थे आज एक ऐसे ही संजय कलयुग में हमारे साथ हैं जो लगातार जन समस्याओं को उठाते रहे हैं वो भी संजय की ही भूमिका निभा रहे थे जनता नेता और समाज के बीच आइए बात करते हैं आज ऐसे ही संजय से स्वागत है आपका धन्यवाद सौरभ जी संजय जी क्या हुआ जब अचानक हमने देखा सोशल मीडिया में पता चला आप नामांकन पत्र खरीदने लग गए तो उम्मीद ही नहीं थी अ देखिए नामांकन पत्र तो मैंने खरीदा है और इससे जाहिर सी बात है कि चित्रकूट की राजनीति में भूचाल तो आ ही गया है कारण यह है कि जब आपने राजनीतिक ज़मीन में चित्रकूट की धरती पे जहाँ से आपने चुनाव जीता जनता ने आपको समर्थन दिया जनता ने आपको भरोसा दिया एक बड़ा जन सैलाब के रूप में आपको जिताकर जो है आप बिठाया जहाँ कुछ नहीं था आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे हो मैंने देखा मैंने पाँच साल तक गहन रिसर्च किया इस पर और चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा में लगभग लगभग आ, हर विधान हर गाँव तक पहुँचा हुआ हूँ और मैंने देखा कि छोटी छोटी कमियाँ हैं जिनके लिए लोग दौड़ते हैं विधायक के पास दौड़ते हैं अधिकारियों के पास दौड़ते हैं एस के पास दौड़ते हैं अरे भैया आपने प्रधान बिठा रखा है किस लिए बिठा रखा है प्रधान बिठा रखा है जन समस्याओं के लिए बिठा रखा है अब वो प्रधान कह रहा है कि भैया यहाँ नहीं हो पाएगा अरे नहीं हो पाएगा तो कहे जन समर्थन लिए बैठो भाई कहे बैठे हो हमने देखा कि इतना बड़ा जन सैलाब लेकर विधायक जी जीत गए लेकिन आज तक जमीनी धरती में कोई काम ही नहीं हुआ मैंने रिसर्च किया मैं गाँव गया कौन से विधायक जी दो विधायक हो चुके देखिए देखिए बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान समय में भाजपा के विधायक हैं अनंत बुला ठीक हाँ। है पहले विधायक के पटेल, पटेल सिंह थे ये कहते हैं कि भैया यहाँ कुछ हुआ ही नहीं पार्टी बदलने की बात कहते हैं कि उस पार्टी ने कुछ नहीं किया अरे भैया पार्टी ने काम नहीं किया पार्टी में तो आप ही थे सांसद भी आप ही थे विधायक भी आप ही थे अब आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ तो काम मुख्यमंत्री थोड़ी ना करने आएगा लीजिए लीजिए चुनाव का स्वाद है तो चाय का स्वाद भी लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी चाय लेते रहेंगे तो दिमाग की बत्ती भी जलती रहेगी और जरूरी है दिमाग की बत्ती जलना तो देखिए मैंने देखा मैंने देखा कि आ, मानिकपुर में एक पाठा का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ डकैतों का संरक्षण मतलब कहा जाए तो संरक्षण के डकैतों वाल जो डकैतों का संरक्षण एरिया था बहलपुरवा वहीं शुरुआत होती थी क्योंकि हमने कई बार सुना कि वहाँ एक प्रधान थे जिनके पास असलहे थे इसलहे हुआ करते थे डकैतों का सप्लाई किया करते थे और सर सर्व विदि थे ये आप गाँव जाएंगे तो लोग बताएंगे अभी हाल ही में एक मामला आया था उसमें भी उस प्रधान का नाम आया था हमने अब तो डकैत मार दिए गए कब तक डकैतों का नाम लेते रहेंगे वो जंगल के डकैत मारे गए बलखड़िया मारा गया गौरी मारा गया सब तो मार दिए गए लेकिन अभी नेता तो डकैत है ना पहले डकैत लोगों को लूटते थे अब नेता लूट रहे हैं तो उनको गोली, गोली से मार देंगे नहीं गोली से नहीं मारेंगे जनता मारेगी उनको कब मारेगी सत्ताईस फरवरी को सत्ताईस फरवरी ये तो आने वाला समय ही बताएगी कि सत्ताईस फरवरी को मारेगी या तो दस मार्च को गोली तो आप मार सकते नहीं है मारने का एक ही काम है बीप बिल्कुल बिल्कुल देखिए गोली मारना लेकिन आप जनता के वोट से लेकर जब वोट की चोट होती है ना तब समझ में आता है एक एक वोट के लिए जब आप जनता के यहाँ जाते हो तो उसको पैर पकड़ते हैं आप कहते हैं कि जो है मैं ऐसी कोई विधानसभा नहीं गया जहाँ मैं दस दस बार ना गया हूँ और ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे ना जानता हो अरे भैया आप चले जाइए पड़ोस के यहीं कालूपुर कछार है कछारपुरवा है कोलगदिया है आप खड़े कर दीजिए किसी विधायक को कह दे कि विधायक है तो मैं जान जाऊँ हमने काम किया है वहाँ आप गाँव में जाइए पूछिए यहाँ कौन आपकी समस्या को उठाए हैं तो बताएँगे भैया स्थानीय लोगों ने समस्या को उठाया है हमने एक रोड देखी उसके बारे में रिसर्च किया और रोड लगभग थी लगभग डेढ़ से डेढ़ डेढ़ किलोमीटर की है उस रास्ते में छोटा सा विवाद था लगभग सौ मीटर का सौ मीटर का विवाद था और उसमें जो है वन विभाग ने थोड़ा रोक लगा दी थी आर एस एस से उसका लगभग पचास से पचपन लाख रुपये पास भी था हम इस मुद्दे को लेकर सांसद जी के पास गए सांसद जी ने कहा कि इसका बजट आ गया है और मैं जो है जल्दी इस पर काम शुरू करवाऊंगा इसका बजट आर एस के पास सुरक्षित है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पास ठीक है हमने कहा ठीक है अब कब तक हो जाएगा कहे अबे जो है विधायकी के पहले तक हो जाएगा ने कहा ठीक है अब हमने देखा कि भैया धारकुंडी वाली रोड जो छ किलोमीटर थी वन विभाग में थी वो पास हो गई धारकुंडी वाली रोड जो थी जो आश्रम को जाती थी छः किलोमीटर उसने उसको वन विभाग ने पास कर दिया अच्छा डेढ़ किलोमीटर की रोड को जिसमें सौ मीटर का एरिया वन विभाग का था उसको कह रहे हैं कि वो पास नहीं हो रही वो पैसा वापस हो गया क्या इस एक मुद्दे को लेकर के ही आप चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं बिल्कुल देखिए मेरे गाँव की जो जनता है उसने कहा कि भैया आप हमारी समस्याओं को उठाते रहते हैं आप आ, आप मैदान में आइए तो पहले मैंने सोचा कि, कि किस पार्टी से टिकट लिया जाए यहाँ तो सब चोर चोर मौसरे भाई हैं हमारे पास पैसा है नहीं है तो हम तो जनता के सेवक हैं अब एक रुपया नहीं है जेब में अभी भी नहीं है सौरभ जी दस रुपये जेब में पड़े हैं कारण क्या है कारण क्या है फुल्लू मुंगौड़े वाला सांसद का चुनाव लड़ता है हुँ। हुँ। आप भी लड़ेंगे ऐसा तो नहीं हो जाएगा नहीं फुल्लू मुंगौड़े वाला मुंगौड़े बेचकर अपना जो है व्यवहार बनाया उसने हमने जनता के बीच जाकर जनता के लोगों से राय लेकर हमने कल एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया में उसमें लोगों ने कहा लोगों ने कहा कि आप चित्रकूट से न उतरकर मानिकपुर से उतरिए अब बताइए जब जनता कह रही हो कि आप मानिकपुर से उतरिए तो उसने कुछ ना कुछ तो देखा होगा हमने नामांकन पर्चा भी खरीद लिया उसको दाखिल करेंगे अब सुनिए सौरभ जी रोड का मुद्दा सुन लीजिए कितना बेहतरीन था उस रोड के मुद्दे को लेकर हम मंत्री जी से मिले मंत्री जी को आप जानते हैं पी डी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय आपकी कुछ बा, बात भी हो गई हाँ हाँ हम बता रहे हैं ना आगे बता रहे हैं आपको क्या हुआ हमने कहा कि सर आप लोग रोड बनवाते हैं और आपकी रोडें छः दिन में उखड़ जाती हैं या तो बनती ही नहीं है उन्होंने करवाया कहा कि अपने प्यारों से कहा इसको नोट करिए नोट को आ, रोड को कागज़ में नोट करिए और इसको लिखिए कि ये आ, जल्दी जल्दी बन जाए आज आठ महीने हो गए सौरभ जी वो रोड जो है कागज़ में ही लिखी हुई है उस रोड में ना तो काम हुआ है और ना ही कुछ हुआ आज जो भी एम्बुलेंस वहाँ से मानिकपुर नज़दीक है बैलपुरा से मानिकपुर की दूरी बीस किलोमीटर अगर वो व्यक्ति जो है उस सौ मीटर के एरिया में रोड बन जाए तो इतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी कि वहाँ के लोग जो आ, खटिया में टांग कर ले जाते हैं पेशेंट को वहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकलती ऐसे वीडियोज़ हैं हाँ हम दिखाएंगे ऐसे वीडियोज़ हैं कि लोग खटिया में लेकर बाइक को टांग कर एक दूसरे से पकड़ कर इधर से उधर से ले जाते अब बताइए जब ऐसी समस्या होगी तो जाहिर सी बात है कि राज आ, जो लोग मांग कर रहे हैं स्थानीय चेहरा होना चाहिए नेता होना चाहिए तो आदमी क्यों ना पढ़े लिखे लोगों को उतारे जो समझदारी समझदारी करता हो लोगों के बीच जाता हो आप ऐसे नेता को जिताएंगे जो आधे से ज़्यादा दिन तो विदेश में रहता हो बाहर रहता हो क्या होगा तो क्या लगता है आप सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस बार ज़्यादा रैलियां नहीं होनी बहुत सारी जनसभाएं नहीं होनी तो आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बात करके चुनाव जीत लेंगे बिल्कुल सौरभ जी देखिए साहब मेरे पास पैसा नहीं है इस बार मेरे लिए गुड बेस्ट चांस यही है कि चुनाव में प्रचार का समय बहुत कम बचा हुआ है चुनाव में पैसा कौन खर्चा करेगा नेता उसके पास भरपूर पैसा है हम भैया फकीर आदमी हम फकीर आदमी हैं गाड़ी उठाएंगे मोटरसाइकिल उठाएंगे घर घर लोगों के जाएंगे अगर लोगों को समझ में आएगा कि भैया नहीं ये वोट इसने हमारे लिए काम किया इसने हमारे मुद्दे को सार्वजनिक मंच पर साझा किया तो हम वोट मांगने का कम करेंगे उससे तो कारण सिर्फ मंत्री जी का नहीं बन सकता एक हज़ार पत्रकार बोला था उन्होंने आपको कि तुम्हारे जैसे एक हज़ार पत्रकार हैं तो करवी विधानसभा से भी आप लड़ सकते थे सड़क का मुद्दा यहाँ पे भी है देखिए ये बात आपकी ठीक है लेकिन अपनी पोस्ट को मैंने सोशल मीडिया के पेज के माध्यम से फेसबुक में साझा किया जब तो मेरे समर्थन में ज्यादा अस्सी परसेंट से ज्यादा लोगों ने मानिकपुर की राय मुझे दी कि आप मानिकपुर विधानसभा में आइए कोई बात नहीं वहाँ इस... आपके एक पत्रकार साथी हाँ। अनुजनमद भी जी। चुनावी मैदान में काल ठोकने वाले हैं चर्चा के में बने हुए लगातार ऐसा हाँ। नहीं लगता आपस में पत्रकार साथियों की तकरार हो जाएगी नहीं देखिए तकरार इसमें कोई तकरार की बात नहीं है तकरार की बात नहीं वो भी भाई है वो भी जो है समाज समाज से जुड़ा हुआ है काफी लोगों की सहायता कर कोरोना काल में उसने जो कि पत्रकार भाई है हमारा साथी बड़ा भाई है कोरोना काल में देखिए उसने जितना नेताओं ने काम नहीं किया उसने लोगों के घर घर जब तक काम किया ऐसी क्या राजनीति आप करेंगे खुले मंच में आप अनु जनमत का की तारीफ कर रहे हैं तो लोग अनु जनमत को पसंद करेंगे आपको पसंद करेंगे देखिए ये तो लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए ये तो जनता है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए वो किसको पसंद करती है ये तो आ, अच्छे अच्छे नेता यहाँ पर नहीं जीत पाते जनता की वोट की चोट से वो दहल जाते हैं सदमे में आ जाते हैं कई बार तो विधायक रोते हुए नजर आए आज देखिए आज लखनऊ में जब विधानसभा के टिकट बांटे जा रहे थे तो जब इधर से उधर दल बदलू नेता हुए जो जो सदियों से लोग काम कर रहे थे राजनीतिक दलों ने नेता का एक काम होता है दूसरे ने नेता का विरोध करना उसकी हाँ। बुराई करना चलन है आज का है। और आप अनुजनमत की तारीफ कर रहे हैं तारीफ करने लायक है सर तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि जनता जनता उसी को पसंद करती है जो पसंद करने लायक होता है उसमें कुछ अच्छा होता है नेहरू और अटल जी नेहरू जी और अटल जी वाला समय क्या हर देख लीजिए अब आप तो जानते हैं नेहरू अटल जी वाला क्या है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नेता लोग क्या करते हैं आपस में लड़वाते हैं एक दूसरे का मन साझा करके एक दूसरे को लड़वाते हैं डिबेट में आप देखते हैं एक डिबेट में लड़ाई होती है लेकिन हम नहीं चाहते अगर एक भाई उतरता है तो जाहिर सी बात है कि हम लड़ेंगे उसके समर्थन में प्रचार करेंगे कोई जरूरी नहीं अगर वो टिकट लेके जो है लड़ेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे और अगर वो नहीं लड़ता तो हमारा समर्थन करेगा लेकिन जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखकर काम करेंगे सौरभ जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये आपसी सवाल है हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही समझिए आप तो ये थे हमारे साथ संजय मोदी अच्छा आए मोदी सबसे ध्यान आया अंतिम सवाल है जब मंत्री जी से आपकी तकरार हुई थी तो लगभग उसी समय आपने तुरंत दो चार दस दिन बाद मोदी लगा दिया तो क्या मंत्री जी को डर करके कि मोदी सबसे मेरी रक्षा हो जाएगी संजय साहू लिखते थे पहले आप देखिए डरता तो मैं क्यों लेखी व्यक्ति से हूँ ऊपर वाले से मेरे पिताजी की मौत जब होती तब मैं लगभग अठारह साल का था मैं ग्रेजुएशन कर रहा था हमारे पास घर कच्चा बना हुआ था मैं अपनी राजनीतिक पृष्ठ की बात करूँ तो मैंने अपनी स्टडी के लिए साइकिल उठाई उससे ब्रेड बेचा मैंने ब्रेड जानते हैं दुकानों दुकानों में मैंने सप्लाई किया ब्रेड की सप्लाई किया मैंने मैंने ऑटो रिक्शा चलाया मैंने जीप चलाई परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों ने मुझे आए पसंद किया मैंने अपनी बी तक की ग्रेजुएशन कंप्लीट की रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से उसके बाद मैंने जो है मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना शुरू किया एक साल बचा हुआ है मेरा कर रहा हूँ लोगों ने मुझसे कहा कि आप आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में या मीडिया के सोशल के जनता के लिए काम कर रहे हैं तो आप आ जाइए मैदान में हमने कहा सोचेंगे आज से पाँच साल पहले आप वो आज दिन आया है कि मेरे पास पैसा नहीं है सौरभ जी डिजिटल चुनाव होना है प्रचार का कोई माध्यम है नहीं तो हमारे पास सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफार्म है प्लेट जो लोगों को जागरूक करने का काम करेगी ना तो पोस्टर लगाने ना मैदान रही मोदी की बात मोदी और योगी जैसा नेता आज भी कोई नहीं है आज भी कोई नहीं मैं ये बात को दावे से कह सकता हूँ लेकिन ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग और उसके उससे भी ज़्यादा जो जिले में बैठे अधिकारी हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं इन्होंने ही उनका नाम बर्बाद बर्बाद कर दिया और इसी को लेकर मैंने अपना सर ने मोदी चेंज किया है मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ लेकिन चुनाव लड़ूंगा जनता मुझे पसंद करेगी बिल्कुल तो ये है संजय मोदी जिन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे पसंद करेगी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो लोकतंत्र का एक नियम है कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा सरकार की छवि को और नेता की छवि को खा जाने का काम करती है तो ये बताया उन्होंने कि मोदी और योगी बड़े चेहरे तो हो सकते हैं लेकिन जिले में बैठा अधिकारी उनकी छवि को खा जाने का काम करता है और भ्रष्टाचार निचले स्तर पर आज भी अजर अमर है जो चिंतनीय विषय है